What is up, guys? Welcome back to the another video of your CMA Foundation Law. तो CMA Foundation का लॉ का हम लोगों का जो सिलेबस है वो अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है. अंतिम पड़ाव मतलब फाइनल स्टेज. फाइनल स्टेज जैसा कि तुम लोग जानते हो, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एथिक्स की वीडियो पूरी डली हुई है चैनल पे. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा खत्म हो गया है और फाइनली लास्ट और सबसे छोटा एथिक्स. हाँ ठीक है, एथिक्स से थोड़ा सा बड़ा है, एथिक्स से बड़ा सोगा से छोटा. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का पोर्शन हमारा बचा हुआ है जो कि है तुम्हारा स्टडी नोट नंबर 3 और वो हम लोगों को अब इस लेक्चर से स्टार्ट करना है. तो स्टे ट्यून्ड गाइस, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ. बताओ भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसकी वेटेज है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और बहुत ईजी है. सबसे बड़ा बात यह है, पता है, बहुत ईजी है. लॉ का लैंग्वेज टफ है तो बच्चों को ऐसा लगता है नहीं लॉ टफ है. लॉ एक्चुअल में टफ नहीं है, लॉ इज कंपैरेटिवली इजी. और यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, कि तुम लोग इसकी अकाउंटिंग सीख चुके हो. यस, अगर तुमने मेरे लेक्चर्स अकाउंटिंग के देख लिए हैं यूट्यूब में तो आपको पता होगा हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है. क्या है उस चैप्टर का नाम? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर हमने पढ़ा ना, वहां पर जो हमने टर्म्स पढ़े, ड्रॉई पेई, है ना, जैसे बिल होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है, वो इसके पास से उसके पास गया, उसके पास से उसके पास गया, मतलब बेसिकली उसकी जो हम लोगों ने अकाउंटिंग सीखी ना, बस उसी से रिलेटेड जो लॉज बने हुए इंडिया में, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है लॉ के अंदर, वो हमको सीखना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर. ठीक है, तो यही वो एक्ट हमको बताता है. 1881 का एक्ट है, तो अगेन बहुत पुराना एक्ट है. और इतना पुराना क्यों है उसका रीजन मैं तुमको समझाऊंगा. देखो, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल. भैया, नेगोशिएशन तो मतलब होता है बार्गेनिंग करना. नेगोशिएशन मतलब क्या होता है? बार्गेनिंग करना. नेगोशिएबल मतलब बार्गेनिंग करने के लायक, मतलब बार्गेनिंग करना अलाउड है ना. अगर एक दुकान वाला लिख दिया माई शॉप इज नेगोशिएबल, मतलब मेरे दुकान में बार्गेनिंग अलाउड है. ठीक है, तो नेगोशिएबल मतलब यहाँ पर बार्गेनिंग अलाउड है. पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में जो नेगोशिएबल यूज हुआ है, इसका मतलब बार्गेनिंग बेटा नहीं होता. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में जो नेगोशिएबल लिखा है ना, नेगोशिएबल, ठीक है, इसका एक मीनिंग तो हो गया क्या, बार्गेनिंग. दूसरा मीनिंग जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में हुआ है, उसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल. क्या होता है मतलब? ट्रांसफरेबल मतलब एनीथिंग विच कैन बी ट्रांसफरेबल इज नेगोशिएबल. यस, वी कैन से भैया, तो क्या मैं बोल सकते हैं कि जो चीज हम ट्रांसफर कर सकते हैं वो नेगोशिएबल होता है? यस. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इसी बारे में बात करता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल है बाय नियर हैंड डिलीवरी. बाय नियर हैंड डिलीवरी मतलब हाथ में ले जाके ऐसे करके ट्रांसफर करके आ जाओ, तो उनको क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में हमको उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करना है जो कि ट्रांसफरेबल है. ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता होगा क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में मैं पहले ही बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक. चेक होता है ना, जो बैंक का चेक, ये तीन चीज जो है वो कवर करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. वैसे तो ये तीन चीजों के अलावा भी चीजें कवर करता है, पर इन तीन चीजों का वो नाम लिख के रखा है और फिर एक प्रोविजन में लिख दिया है कि ऐसी कोई भी चीज जो इनके टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी, जो इनके टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट बैठेगी, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. पर ये तीनों का तो नाम ही लिख दिया, ये तीनों का एकदम स्पेशल प्रिविलेज, ये तीनों का नाम लिख दिया गया है और बोला गया है जो इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट बैठेंगे वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कवर हो जाएंगे. उनका नाम नहीं लिखा है, पर होता है कुछ कुछ चीजें यहाँ पर कवर होती है, तो वो चीज. अब जैसे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया क्यों, व्हाई वी नीड दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सिंपल और सिंपल सी बात है. कैश ट्रांजेक्शन हमारे बहुत सारे होते हैं, पर कैश ट्रांजेक्शन के अलावा क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होते हैं बहुत सारे, है ना. तो जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए होते हैं. बाय चांस तुमसे कोई सामान परचेस किया, ठीक है, तुम सेलर हो, तुमसे कोई सामान परचेस किया, बोल रहा है 3 महीने बाद पैसा दोगे, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? तुम्हारे पास ऐसा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है जिससे तुम 3 महीने के बाद, अगर वो तुमको पैसा नहीं दिया, देखो अगर वो तुम्हारे पहचान वाला तो तुमको पैसा दे ही देगा, पर बाय चांस नहीं दिया पैसा, बेटा पैसा उसने नहीं दिया, तो तुम किस बेसिस पे उससे पैसा क्लेम करोगे वापस, बताओ? है कोई वैलिड बेस? यस भैया, क्या वैलिड बेस है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मैं उसको एक बिल फाड़ के दूंगा, मैं ड्रॉअर हूं, मैं बिल फाड़ के दूंगा, वो एक्सेप्ट करके देगा मेरे को बिल, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है. प्रॉमिसरी नोट, तो मैं बोला चल ठीक है मान लेता हूं, तो उसने तूने इसको बिल फाड़ के दे दिया, मान लिया, 3 महीने बाद वो पैसा नहीं दिया, किसके पास जाएगा केस करने? भैया कोर्ट में जाऊंगा, नोटिंग चार्जेस पे करते थे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं केस करूंगा कि मेरे को इसने पैसा नहीं दिया बिल का, मेरे को इसने पैसा नहीं दिया बिल का, मैं कोर्ट में जाके केस करूंगा. तो मैं बोला जब तक कोई एक्ट नहीं होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के तहत, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो कवर कर रहा हूं अपने अंडर, तब तक तू कैसे केस कर सकता है? तो क्या मेरे को एक्ट की जरूरत है?
ये सब ट्रेड ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट के ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें जो बिल बिल एक्सचेंज होता है, प्रॉमिसरी नोट जो फाड़ के देते हैं, ये सब चीजों के लिए क्या मेरे को एक एक्ट की जरूरत है? प्रॉपर जो गाइडलाइंस दिखाए कि ये हुआ तो ऐसा प्रोविजन लगेगा, ये हुआ तो ऐसा प्रोविजन लगेगा. यस, सो दैट्स व्हाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 कम्स इनटू द पिक्चर. और वो भी हमारे इंडियन कस्टम्स के कारण आया है, वो भी हमारे इंडियन कस्टम्स के कारण आया, क्योंकि पहले के जमाने में इंडिया में चलती थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं चलती थी, प्रॉमिसरी नोट नहीं चलता था, बैंक नहीं था तो चेक तो हो ही नहीं सकता था पहले के जमाने में भी, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चलते थे जिसका नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो नहीं था पर उसका नाम था हुंडीज. क्या नाम था? हुंडीज. हुंडीज के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है जनरली, जैसे सीए एग्जाम में तो हुंडी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो हुंडीज क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय हुंडीज? हुंडीज तुम ये मान के चलो एक बेस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के आने का. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट प्रॉपर जो एक ब्रिटिशर्स ने एक्ट बनाया हुंडीज के कारण ही बनाया. क्या होता है हुंडीज? जैसे मान लो पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग रहते थे. एक होता है राजा, यस यू नो, ये देखो उसका मुकुट, भैया रेड डायमंड लगा रहता है उसके मुकुट, लो रेड डायमंड. ठीक है, येलो कलर का उसका मुकुट, ये हुआ कौन? राजा. ठीक है, तो जो राजा होते थे पहले के जमाने में, उन लोग भी क्या करते थे? उन लोग पूरे महल के लिए अपनी पूरी सेना के लिए, ठीक है, एक साथ बल्क में, किसमें? एक साथ बल्क में परचेजेस करते थे. ठीक है, एक साथ बल्क में परचेजेस करते थे. और बाई चांस मान लो कोई वॉर का सिचुएशन चल रहा है या कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है जिस टाइम पे राजा के पास भी सफिशियंट बक्स नहीं है. व्हाट इज बक्स? पैसे. राजा के पास भी सफिशियंट पैसे नहीं है इस बल्क परचेस की पेमेंट करने के लिए. ठीक है, एकदम भाई 500 टन 100 टन ऐसा मंगा रहे हैं तो कहां से पेमेंट कर पाएगा? राजा भी एक बार में नहीं पेमेंट कर पा रहा है, उसके पास रहता है खजाना पर कभी कभी नहीं भी रहता है. ठीक है, वॉर चल रहा है, वॉर में खर्चा हो गया, ये किधर भी हो गया, तो कोई ऐसी सिचुएशन है जब उसके पास पैसा नहीं है या वो किसी वजह से पैसा नहीं देना चाह रहा है. सिंपल, किसी वजह से पैसा नहीं देना चाह रहा है. तो सोचो कैसा लगेगा जब एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बोल रहा है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है. एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा क्या बोल रहा है? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है देने के लिए. अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा. तो इस सिचुएशन में जो उनके अकाउंटेंट होते थे, जिन लोग हिसाब किताब करते हैं, ठीक है, या जिन लोग सारे बुक्स वुक्स मेंटेन करते हैं, उन लोग क्या करते थे? उन लोग ना उनको हुंडीज दे देते थे बना के. क्या हुंडीज? जो सप्लायर होता था ना, सप्लायर हमारा बंदा होता था ना, उसको एक हुंडी दे देते थे. क्यों हुंडी देते थे? क्योंकि सप्लायर आया पेमेंट लेने, सर पेमेंट चाहिए. तो बोले पेमेंट तो अभी हम नहीं देंगे. तो बोले क्यों? कुछ बहाना लगा दिया एक्स वाई जेड की, तेरा सामान अच्छा नहीं है तो अगली बार दोनों का एक साथ दे देंगे, इस बार की सप्लाई अगली बार की सप्लाई दोनों को मिला के एक साथ दे देंगे, या अभी कुछ ऐसा ऐसा है वैसा, बहाना बहाना मारेंगे, प्रॉब्लम नहीं बताएंगे. प्रॉब्लम क्या है? अभी पैसा नहीं हमारे पास. वो नहीं बता सकते, क्यों? अच्छा नहीं दिखेगा ना, राजा के पास पैसा नहीं थोड़ी ना अच्छा दिखेगा. कुछ भी बहाना मार के उसको बोलेंगे कि अभी हम तेरे को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पर हम लोग तेरे को अगले बार दोनों का पेमेंट एक साथ कर देंगे. तो बोला ठीक है, पर अगली बार सप्लाई करने के लिए मैं पैसा कहां से लाऊं? मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाऊंगा, फिनिश गुड आपको सप्लाई करूंगा, रॉ मटेरियल के लिए पैसा कहां से लाऊंगा? पेमेंट नहीं कर रहे हो. तो उस सिचुएशन में उनका अकाउंटेंट जो होता था, दीवान जी, क्या बोलते थे उनको? दीवान जी बोलते थे. ठीक है, तो दीवान जी क्या करते थे? हुंडी इशू करके देते थे उसको. क्या होता है हुंडी? हुंडी बस एक रिसिप्ट होता था जिसमें वो लिख के देते थे आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, मतलब वो लोग अपनी भाषा में लिखते थे संस्कृत में. ठीक है, संस्कृत उस टाइम चलता था, लिटरेचर है ना, तो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस मच अमाउंट, और उसमें राजा की मुहर लगा के देते थे और राजा का सिग्नेचर करवा देते थे. राजा सिग्नेचर नहीं कर पाता था, अंगूठा लगा के देते थे, अंगूठा राजा का. ठीक है, और अगर दीवान जी अपने सिक्योरिटी पे देते थे तो उसको दीवानी हुंडी बोलते थे, अगर राजा का अंगूठा लगा के देखे थे तो उसको राजस्वी हुंडी बोलते थे. तो अलग अलग टाइप की हुंडी चलती थी, पर हुंडी इज बेसिकली अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते थे. उसको हुंडी पकड़ा देते थे, हुंडी दिए उसको, एक ऐसे पकड़ के हुंडी दिए और बोले ले ये तेरी हुंडी, इसको लेके जा, इसको तू पूरे राज्य में, हमारे राज्य में, जैसे मान लो उनका पूरा राज्य है, मुगलों का राज्य है जैसे मान लो पूरा, तो हमारे मुगल्स के राज्य का जितना भी एरिया है वहां पर तू किसी भी शॉप में या किसी भी जगह पे इस हुंडी को देगा तो ये एज नियर एज मनी है. ठीक है, मतलब ये पैसे की तरह ही काम करेगा क्योंकि इसमें राजा का स्टैंप लगा हुआ है, राजा का सिग्नेचर हुआ पड़ा है, इसमें राजा का अंगूठा लगा हुआ है. तो दैट इज नथिंग बट अ हुंडी. क्या? हुंडी. ठीक है, तो यही होता था हुंडी, समझे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज उस टाइम ऐसा चलता था. ठीक है, तो उसी के कारण अब बहुत ज्यादा हुंडी सर्कुलेट होने लगी,
बहुत ज्यादा मतलब एकदम ट्रेंड में आ गई है, इसको हुंडी दे रहा है, उसको हुंडी दे रहा है, उसको हुंडी दे रहा है, हुंडी हुंडी चलने लगा। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि नहीं यार अब इसके लिए इंडिया में भी इवन फॉरेन में भी, ठीक है, ऐसा उनको फीलिंग आया कि नहीं अब इसके लिए प्रॉपर एक्ट होना चाहिए, तब फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 आया। समझ में ही बात, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है, बहुत पहले से। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है, हमको डेफिनेशन पढ़ना है, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक का, हमको डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है तीनों के बीच में, और फाइनली हमको टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ना है कि चेक, एक चेक कितने तरीके से क्रॉस हो सकता है, वो जब टॉपिक आएगा तभी बताया जाएगा कि क्रॉसिंग होता क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, तो देखो द टर्म नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल एंड द टर्म इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स एनी रिटन डॉक्यूमेंट creating a right in favor of some person. तो negotiable instrument क्या हुआ? एक written document which is signed by the drawer and which can be transferable by mere hand delivery. क्या हुआ negotiable instrument? एक ऐसा written document जिसपे signature हुआ पड़ा है, ठीक है, और जिसको हम transfer कर सकते हैं by mere hand delivery. हम लोग delivery करके उसको transfer कर सकते हैं। तो एकदम layman language में negotiable instrument का यही definition होता है। देखो in a common parlance practices होना चाहिए, negotiable instrument can be understood as a piece of paper which entitled to sum of money or which is transferable from one person to another merely by delivery or by endorsement or delivery. ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, negotiable instrument एक कागज का पत्ता ही होता है जो कि writing में लिखा हुआ रहता है कि I promise to pay the bearer and I promise to pay XYZ amount to XYZ company. ठीक है, ऐसा तो उसके अंदर basically लिखा रहता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं या मैं गारंटी लेता हूं कि मैं सामने वाली पार्टी को पैसा पे करूंगा या करूंगी। ठीक है, और बाय हैंड डिलीवरी ये ट्रांसफरेबल होता है सिंपली। ठीक है, और इसमें एंडोर्समेंट भी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्समेंट? अगर तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे आपको एंडोर्समेंट का मतलब बताना चाहिए। एंडोर्समेंट का मतलब सिंपल सी बात है, मैंने एक्स के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया एक्स प्रॉमिस टू पे मी 10,000 आफ्टर 2 months. ठीक है, और एक्स को दिया, बोला ले साइन करके दे, एक्स उसमें साइन करके दे दिया, हाँ मैं दूंगा, टेंशन मत ले, हाँ मैं दूंगा, और मेरे को बिल वापस दे दिया। मेरे पास एक बिल है जिसपे 10,000 का अमाउंट है जो एक्स बोल रहा है मेरे को 2 महीने बाद देगा। अगर मैंने ये बिल वाई को दे दिया, क्योंकि वाई से मैं उधारी था, वाई मेरे से इधर पैसा मांग रहा है, भाई पैसा दे पैसा दे, मेरे पास पैसा है नहीं क्योंकि एक्स दिया नहीं है, तो वाई इधर मेरे से पैसा मांग रहा है, तो वाई मेरे को बोला तू एक काम कर मेरे को एक बिल बना के दे देना, तो टेंशन खत्म। तो मैं बोला कि भाई नया बिल बनाने से अच्छा है, नया बिल ड्रॉ करने से अच्छा है, ये जो एक्स का बिल है 10,000 का, वाई को भी 10,000 देना था, ये जो एक्स का 10,000 बिल है इसी पकड़ा दे, ए ले पकड़, ये एक्स मेरे को बिल फाड़ के दिए 10,000 का, ले तू पकड़। तो मैंने बिल को क्या कर दिया, वाई को एंडोर्स कर दिया, क्या कर दिया, वाई को एंडोर्स कर दिया। तो एक बना बना बिल, जब ड्रॉवर मैं ड्रॉवर था ना, मैंने बिल बनाया था और मैंने एक्स से साइन करवाया था, है ना, तो अब जब बना बना बिल मैंने वाई को दे दिया तो दैट इज नोन एज एंडोर्समेंट। इसको भी आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डिफाइन करता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो सेक्शन 13 बोलता है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक प्रॉमिसरी नोट और एक चेक बस हो सकता है। पर एक्ट के कुछ प्रोविजन ये भी बोलते हैं कि जो जो भी इंस्ट्रूमेंट इन लोगों के जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे वो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर कर लिए जाएंगे। ठीक है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनी वन हु टेक्स अ बोनाफाइड एंड फॉर वैल्यू नॉट विद स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। It is not necessary to a promissory note, bills of exchange or check. देख लो, सबसे पहले एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ा है। एक negotiable instrument क्या होता है? एक instrument होता है। Instrument मतलब it is in writing. A negotiable instrument is the instrument which is in writing. ठीक है? The property in which acquired by anyone who takes a bona fide. कोई भी इसकी property ले सकता है, पर बंदा bona fide होना चाहिए। Bona fide मतलब real and genuine होना चाहिए बंदा। बंदा कौन होना चाहिए? Genuine. जेन्युइन बंदा होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉड और से नहीं लेगा। ठीक है, फ्रॉड और नहीं किया होना चाहिए। जेन्युइन मतलब सही तरीके से उस बिल को एक्वायर किया हो। फॉर वैल्यू और किसी वैल्यू के अगेंस्ट में, एक्ट ही बोल दिया किसी वैल्यू के अगेंस्ट में, इसका मतलब एक्ट खुद बोल रहा है कि एकोमोडेशन बिल जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कवर नहीं होता। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? एकोमोडेशन बिल वो होता है जो हम लोग बिना किसी वैल्यू के बस एक दूसरे के फायदे के लिए बिल ड्रॉ करते हैं। आगे समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, फॉर वैल्यू Not withstanding any defect in the title of the transferor. और जो transferor होगा, जो transferor होगा, उसके पास कोई title में उसके defect नहीं होना चाहिए। Defect मतलब उसके, the simple सी बात है, कोई भी transferor हो, है ना, he cannot transfer better title than he himself have. उसके पास जो title है, उससे better title वो transfer किसी को कर ही नहीं सकता। तो उसके title में कोई defect नहीं होना चाहिए। कोई भी defect उसके title में नहीं होना चाहिए।
इफ इट नीड नॉट नेसेसरी बी अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। और देखो एक्ट खुद बोल गया कि जरूरी नहीं है कि वो एक प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक ही हो, वो कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर ये तीनों आइटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हो। ठीक है, तीनों के नहीं मतलब तीनों में से किसी के भी, वैसे तीनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं, मैं तुमको भी बताऊंगा। फिर उसके बाद इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है, सेम चीज है तो बात पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी पेबल टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली। दो और दो या दो से अधिक लोगों को जॉइंटली आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो अमाउंट है वो पे कर सकते हो, या फिर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो या दो से अधिक लोग एक बंदे को भी दे सकते हैं फाड़ के, समझे। मतलब एक बंदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है वो तीन लोगों को पेमेंट करने के लिए लायबल हो सकता है, या तीन बंदे मिलके भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के एक बंदे को पे होने के लिए लायबल कर सकते हैं, समझे। मतलब ये तीनों प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं इनको पे करूंगा, या ये अकेले प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तीन लोग को दूंगा। मतलब दो या दो से अधिक कोई भी हो सकता है, मैंने तीन का एग्जाम्पल लिया, दो या दो से अधिक कोई भी हो सकता है। और इट मे बी मेड पेबल द ऑल्टरनेटिव टू वन और टू और वन और सम ऑफ द सेवरल पेज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक बंदा जो है ना वो दो या दो से ज्यादा लोगों को भी प्रॉमिस कर सकता है कि मैं पे करूंगा। ठीक है, तो दो से ज्यादा पे ही हो सकते हैं। पे ही कौन होता है अभी समझ में आएगा तुमको, पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पर सब में अलग अलग होते हैं। कहता है प्रॉमिसरी नोट, रुको ये देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है व्हाट डू मीन बाय प्रॉमिसरी नोट, क्या होता है एक प्रॉमिसरी नोट। तो सिंपल सी बात है, ये देखो एग्जाम्पल देके समझाऊं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। भैया बंदा कहाँ है, वो तो दिख ही नहीं रहा है, लो ये ए और बी। ठीक है, तो ए ने बी से गुड्स परचेस किए, इसने सेल किया। ठीक है, सेल किया, इसने परचेस किया, इसने सेल किया। ठीक है, एक मिनट, सेल, बी ने ए को गुड्स सेल किए। ठीक है, उसके बदले ए ने बी को एक कागज का पत्ता दे दिया, एक कागज का पत्ता दे दिया, और उसमें उसने क्या लिख दिया पता है, आई प्रॉमिस, क्या लिख दिया, आई प्रॉमिस टू पे बी सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन सर्टेन डेट। क्या बोल दिया उसने, एक कागज का पत्ता फाड़ के क्या बोल दिया, आई प्रॉमिस टू पे बी, मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं बी को पे करूंगा सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब वो बता देगा कि वो कितना रुपए पे करने वाला है, और ना सर्टेन डेट, और उसने डेट भी बता दी, या फिर वो सर्टेन टाइम पीरियड भी बता सकता था कि आफ्टर वन मंथ, आफ्टर टू मंथ, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 60 डेज, ऐसे। ये बात याद रखना, एक्ट की नजरों में 30 डेज और वन मंथ इज डिफरेंट। ठीक है, वन मंथ और 30 डेज, डेज में एक एक दिन ऐसे 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 काउंट होगा, तो फरवरी का 28 दिन ही काउंट हो पाएगा, पर अगर मंथ काउंट करो तो फरवरी पूरा महीना काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रॉमिसरी नोट, ये जो इसने फाड़ के दिया कागज का पत्ता, इसको क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, प्रॉमिसरी नोट मेकर बनाता है। ये कौन है, कौन है ये, मेकर। तो देखो प्रॉमिसरी नोट की पहली पार्टी कौन हुई, मेकर, और जिसको वो फाड़ के दे रहा है वो कौन होगा, पेई। पेई सिंपल शब्दों में बोलूं तो वो बंदे को पेई बोलते हैं जिसको पैसा मिलेगा, जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा मिलेगा वो कौन होता है, पेई होता है। अल्टीमेटली पेई को ही पैसा मिलता है, अब पेई कोई भी हो सकता है ना, ये चीज मैं बता दूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पेई कौन बंदा होता है जिसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन यहां पर बनता है। तो देखो यहां पर तुम लिखोगे प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन ऑर्डर
ऑफ अ सर्टेन पर्सन और होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये देखो तुमको ऐसे पढ़ना है प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन, तुम्हारी बुक का डेफिनेशन मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, पर तुमको ऐसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ बोलोगे सब लोग एक साथ, चलो 1 2 3 स्टार्ट। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, बोलो अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर। प्रॉमिसरी नोट को कौन साइन करेगा? ए साइन करेगा। क्यों? क्योंकि ए मेकर है, ए ही साइन करके बोलेगा आई प्रॉमिस टू पे, और वही साइन करेगा। तो साइंड बाय द मेकर कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब क्या होता है? मैं खुद कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं पैसा दूंगा, दैट इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। मतलब मैं खुद ही अंडरटेक कर रहा हूं, अनकंडीशनली मैं खुद ही अंडरटेक कर रहा हूं विदाउट एनी कंडीशन कि आई एम गोइंग टू पे यू। ठीक है, अनकंडीशनली मतलब कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, मैंने आपसे परचेज किया, मैं खुद अंडरटेक कर रहा हूं कि मैं आपको पे करूंगा। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन सम ऑफ मनी दूंगा टू अ सर्टेन पर्सन, मतलब मेरे को पता है वो पर्सन कौन है, टू अ सर्टेन पर्सन। और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन मतलब उस सर्टेन पर्सन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जिसको बोले मैं उसको पे कर दूंगा। ठीक है, वो पर्सन अगर बोला कि उसको पे कर दे, मैं उसको पे कर दूंगा। और होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और या तो फिर जिसके हाथ में वो बिल होगा, जिसके हाथ में वो प्रॉमिसरी नोट होगा, उसको पे कर दूंगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अगेन, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कसम कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ठीक है, सॉरी मैंने ऑर्डर बोल दिया, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल ऑर्डर भी आने वाला है, ठीक है, पर प्रॉमिसरी नोट में क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। मैं बता रहा हूँ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, बहुत मियर डिफरेंस है, इसीलिए तुमको इतना ध्यान ध्यान से कराया जा रहा है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग क्या है? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन और होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अगर आप एक एक लाइन ऐसे तोड़ तोड़ के याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेक्शन 4 डिफाइन करता है प्रॉमिसरी नोट। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर और बियरर एक ही बात होती है, तो तुम यहां होल्डर की जगह बियरर भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। समझ में ही बात? ठीक है, ऐसा तुम्हारी बुक में बियरर लिखा है। वैसे ये जो ऑफिशियल डेफिनेशन है जो सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में लिखा हुआ है, क्या? अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऐसे तुमको याद करना है तोड़ तोड़ के, यहां से यहां तक, फिर 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 यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, ऐसे टुकड़ों में याद करोगे तो एक बार में याद होगा। पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट कौन कौन है? एक मेकर जो प्रॉमिसरी नोट को बनाएगा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं शपथ ले रहा हूं कि मैं तेरे को पैसा दूंगा, आहा शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तो एक होता है मेकर, एक होता है पेज जिसके हाथ में वो प्रॉमिसरी नोट पकड़ा देगा, जिस बंदे को उसको पेमेंट करना है उसी को वो प्रॉमिसरी नोट क्या कर देगा? पकड़ा देगा। क्लियर हो गई बात? तो देखो मेकर कौन है? द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड प्रॉमिसेस टू पे इज कॉल्ड द मेकर एंड द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज द पे। सिंपल सी बात है, वो पर्सन जिसको पेमेंट मिलेगा वो कौन है? पे है। ठीक है, रिक्विजिट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या बोल रहा है? इट मस्ट बी राइटिंग, इट मस्ट कंटेन एन अंडरटेकिंग टू पे, ठीक है, मस्ट बी एक्सप्रेस इन द प्रॉमिस टू पे, इट शुड बी अनकंडीशनल, इट शुड बी साइन, इट शुड बी सर्टेन। ठीक है, सर्टेन मतलब भाई 10,000 रुपए देने वाले हो तो 10,000 लिख दो, है ना। और इसके अंदर एक और चीज बता दू, सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, और उसके अंदर एक और चीज भी आती है, केपेबल ऑफ बींग सर्टेन भी आती है ना। प्रॉमिसरी नोट के अंदर या फिर तुम्हारा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर अमाउंट सर्टेन नहीं है, तो अगर ऐसा अमाउंट भी है
जो कैपेबल ऑफ बींग सर्टेन होगा वो भी आ जाएगा. भैया एग्जाम्पल दो, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू पे यू 10,000 रुपीज विद 10% इंटरेस्ट, आई एम गोइंग टू पे यू 10,000 रुपीज विद 10% इंटरेस्ट, तो वी नो द अमाउंट इज सर्टेन 10,000 एंड 10% इज केपेबल ऑफ बींग सर्टेन. मीन वाइल 10,000 इज सर्टेन एंड 10% इज केपेबल ऑफ बींग सर्टेन, मतलब 10% ऑफ 10,000 कितना होता है 1,000, तो क्या बाद में ये सर्टेन हो जाएगा, क्या ये केपेबल है ऑफ बींग सर्टेन? यस. तो इसीलिए ये 10% जो है केपेबल ऑफ बींग सर्टेन माना जाएगा और फिर भी ये डॉक्यूमेंट जो है वैलिड रहेगा. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी ओनली, मेकर और पेई मस्ट बी सर्टेन. ठीक है, मेकर और पेई दोनों सर्टेन होने चाहिए. स्टैंपिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज एसेंशियल अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट 1899. मैं एक बात तुम लोग को बता दूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, दोनों में प्रॉपरली स्टैंपिंग होना चाहिए अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट. ठीक है, इट इज नॉट एडमिसेबल दैट एन अनस्टैम्प्ड प्रॉमिसरी नोट. इट मस्ट कंटेन डेट, भाई डेट या फिर टाइम पीरियड होना चाहिए प्रॉपर. ठीक है, द लिमिटेशन पीरियड ऑफ प्रॉमिसरी नोट टू फाइल अ सूट इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट. बोल रहा है लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है कि 3 साल तक तुम प्रॉमिसरी नोट में क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो अगर प्रॉमिसरी नोट जो है वो अनपेड है, तो अनपेड है तो 3 साल तक केस कर सकते हो. ये बात तुमको पहले से पता थी. यहाँ पर तुमको कुछ इलस्ट्रेशन दिए, यू कैन रीड इट आउट. लाइक देखो, आई प्रॉमिस टू पे बी एन ऑर्डर ऑफ 500 रुपए. क्या बोल रहा है, मैं बी को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एक ऑर्डर पे करूंगा 500 रुपए का. आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन एंड टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड. क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑन डिमांड. सबसे पहले बोल रहा है कि मैं अपने आप को एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मैं इंडेप्टेड हूँ बी का 1,000 रुपए और मैं उसको पे करूंगा जब वो डिमांड करेगा. मैं उसको पे करूंगा जब वो डिमांड करेगा. तो देखो नीचे लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट्स रिस्पेक्टिवली ए एंड बी आर प्रॉमिसरी नोट एंड द इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टिवली मार्क सी डी ई एफ जी एच आर नॉट प्रॉमिसरी नोट. काहे, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा. देखते हैं, मिस्टर बी आई ओ यू रुपीज 1,000. डिफेक्ट है भाई, को इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है. आई प्रॉमिस टू पे बी 500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम. अनसर्टेनिटी आ गई यहाँ पर, यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ गई. आई प्रॉमिस टू पे बी 500 आफ्टर डिडक्टिंग देयर ऑफ एनी मनी विच ही मे ओ टू यूज. अनसर्टेनिटी अगेन, अनसर्टेनिटी ऑफ अमाउंट. ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे बी 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी. अनसर्टेनिटी है. ठीक है, उसकी सी से शादी कब होगी मेरे को क्या पता, सी की शादी का डेट तो पता. ठीक है, या और कुछ तो पता, शादी वादी होगी भी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता. कंटिजेंट इवेंट, शादी हो सकता है ना हो सकता है शादी के पहले किसी का वो हो जाए, डेथ हो जाए. भैया इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो भाई, हर तरीके से सोच के लॉ बनाना पड़ता है. तो इसलिए अनसर्टिनिटी यहाँ भर भर के है. आई प्रॉमिस टू पे वी 500 ऑन डीज डेट प्रोवाइडेड डी लीव मी इनफ टू पे डेट सम. अगेन अनसर्टिनिटी, पहली बात तो डी मरेगा, दूसरी बात डी उसको पैसा देगा तब वो उसको पैसा देगा, पूरा कंटिजेंट है अनसर्टिनिटी. आई प्रॉमिस टू पे वी 500 टू डिलीवर टू हिम बाय वाइट हॉर्स On 1st January next, I promise to pay B and to deliver to him by white horse on 1st January next. यहां पर भी मेरे को लग रहा है, यहां पर देखो contingency है. बोल रहा है कि अगर वो घोड़ा deliver किया, ठीक है, वैसे तो it can be conditional to him by white horse on 1st January next. अच्छा, 1st January next लिखा है, next के बाद कहां next? 1st January कौन सा साल? कौन सा साल? 2020, 2021, 2022, 2025, Doraemon का 21st century कब? कौन सा 1st जनवरी? तो यहाँ पर भी अनसर्टिनिटी आ रही है. तो इसीलिए ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वैलिड नहीं है. ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है. तो उस हिसाब से फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्या है, वैलिड है. वैसे तो फर्स्ट वाले में भी आई प्रॉमिस टू पे बी एन ऑर्डर ऑफ 500 लिखा है, टाइम पीरियड नहीं लिखा है. तो कायदे से फर्स्ट वाला भी वैलिड नहीं होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट वाला भी वैलिड नहीं होना चाहिए. हो सकता है बुक में मिसप्रिंट हो या एनीथिंग लाइक दिस. बट टाइम इज नॉट सर्टेन. ये देखो, इट मस्ट कंटेन डेट. यहाँ पर डेट नहीं है, यहाँ पर तो ऑन डिमांड वाला सिस्टम है. ऑन डिमांड मतलब जब कॉल करो हेलो पैसा दे, तुरंत पैसा देगा. तो हाँ ठीक है, दिस इज सर्टेन, जब वो डिमांड करेगा तब हम पैसा दे देंगे. पर यहाँ पर डेट नहीं, तो कायदे से फर्स्ट वाला भी सर्टेन नहीं होना चाहिए. फर्स्ट वाला भी प्रॉमिसरी नोट नहीं बना रहा है. क्यों? क्योंकि उसमें डेट नहीं लिखा है. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉमिसरी नोट. फिर आ रहा तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज. फिर आ रहा तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तो भैया हमारी अकाउंटिंग खून में दौड़ रही है, आप हमसे पूछो ही ना. तो फिर भी पढ़ाया जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज इज द ट्रेड बिल. ठीक है, जब हम लोग क्रेडिट परचेज या सेल करते हैं तो एक बंदा जो है वो बिल फाड़ के देता है सामने वाले बंदे को, जिसको बायर को, और बायर उसमें साइन करके देता है कि हाँ मैं तेरे को पैसा दूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ मैं तेरे को पैसा दूंगा. ठीक है, तो वो होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज. तो एक बार थोड़ा ऑफिशियली पढ़ ले. तो फिर से उसका डेफिनेशन ऐसे ही पढ़ेंगे. अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order. मेरे को एक बात बताओ, promissory note में क्या था? Unconditional undertaking. मतलब वहां पर वो बोल रहा था
अनकंडीशनली मैं खुद अंडरटेक कर रहा हूं कि मैं तेरे को पैसा दूंगा, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब जो बंदा बिल फाड़ के देगा वो सामने वाली पार्टी को ऑर्डर दे रहा है, और बेसिकली ऑर्डर का मतलब ये नहीं है पैसा दे, ऑर्डर मतलब एक, मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस बिल को साइन कर दो कि आप मेरे को पैसा दोगे, ठीक है, मतलब प्यार से काम होता है। रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि उससे भीख मांगेगा, ठीक है, प्यार से काम होता है बेसिकली ऑफिशियल उसमें। तो अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोल रही है कि आप मेरे को पैसा दोगे, ठीक है। तो कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है वो साइन करेगा, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, मतलब खुद को, ठीक है, ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो एक बात बताओ, ये जो डेफिनेशन लिखे थे उसका क्या क्या अंतर है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर containing an unconditional order, not undertaking, containing an unconditional order to pay a certain sum of money to a certain person or according to order of a certain person or the bearer of the instrument। तो यहां पर क्या क्या चेंज हो गया, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, दूसरा इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलती है पैसा देने के लिए। प्रॉमिसरी नोट में तो जो पार्टी को पैसा देना, तो खुद ही बोल रही थी मैं तेरे को पैसा दूंगी, ये ले प्रॉमिसरी नोट, पर यहां पर जो पार्टी पैसा लेने वाली है वो सामने वाली पार्टी को बोल रही तू मेरे को पैसा देगी, ठीक है। तो इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। ये देखो पार्टीज कौन कौन है इसमें, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे, ठीक है। ड्रॉवर कौन है, जो बिल बनाता है, ये देखो, जैसे मान लो एक बंदा है, ये है ड्रॉवर, ये ड्रॉई, ड्रॉई कौन होता है, जो परचेस किया रहता है, ये परचेस किया तो ये कस्टमर है, ये सप्लायर है, ठीक है, और ये इस मान लो इसका भी एक सप्लायर है, इसका भी एक सप्लायर है जिसका नाम सप्लायर है जिसका नाम है सी, ठीक है, इसका भी एक सप्लायर है, ठीक है, ये भी इधर से परचेस करके इधर बेचता है, ठीक है। तो अब ये बंदा ड्रॉअर है, ये बिल बनाएगा, ये बिल बनाएगा और ये अपनी बुक में लिखेगा उसको बिल्स रिसीवेबल, क्यों, क्योंकि इसको पैसा मिलेगा, इसने सेल किया है ना, इसने सेल किया, ये बंदा परचेज किया, ये कस्टमर परचेज किया है, ठीक है, सप्लायर सेल किया, तो सप्लायर को पैसा मिलेगा, तो अपनी बुक्स में क्या बनाएगा, बिल्स रिसीवेबल बनाएगा, और बिल्स रिसीवेबल इसको फेंक के देगा, बोलेगा चल साइन करके दे, क्या बोलेगा, साइन कर दे, ए ले इसको साइन करके दे फटाक से, ठीक है। तो वो उसको साइन करके वापस कर देगा बिल को, ठीक है, और अपनी बुक्स में ये लिख लेगा बिल्स पेबल, अपनी बुक्स में क्या लिख लेगा, बिल्स पेबल, क्यों, क्योंकि इसको पे करना है, कस्टमर को पे करना है, तो वो लिखेगा बिल्स पेबल, सप्लायर को मिलेगा पैसा, तो वो लिखेगा बिल्स रिसीवेबल। तो ऐसे इस बंदे ने बिल बनाया, तो ये कौन है, ड्रॉवर, उसने इसको ट्रांसफर किया, जो पैसा देने वाला है, दो पर्सन, जो वो पर्सन जो लायबल है पैसा देने के लिए, वो कौन है, ड्रॉई, ड्रॉई क्या करेगा, पैसा देगा, ड्रॉई क्या करेगा, पैसा देगा। अब यहां पर देखो पे ही कौन होता है, मान लो इसको जो ये बिल मिला बीआर, बिल्स रिसीवेबल, ये भी रो रहा था इधर से, भाई पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे, ये भी रो रहा था इधर बैठ के सप्लायर। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि मैं तेरे को एक बिल देता हूं, और ये क्या किया, नया बिल नहीं बनाया और ना ही ये बिल बनाया, इसने क्या सिंपल ये वाला बिल ना इसको दे दिया, ये वाला जो बिल्स रिसीवेबल था इसको दे दिया, बोला ये तेरे को पैसा दे देगा, बोला ये तेरे को पैसा दे देगा, एक महीने बाद या दो महीने बाद जितने भी महीने का बिल था ये तेरे को पैसा दे देगा। तो ये बंदा कौन है, ये बंदा है एंडोर्सी, ये बंदा कौन है, एंडोर्सी, एंडोर्सी कौन होता है, जिसको बिल ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक पहले से बना बनाया बिल्स रिसीवेबल जब किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दे उसकी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, ये लायबल था ना इसको, इसको इसको पेमेंट करना था, ठीक है, तो ये लायबल था, तो इसने क्या किया, वो वाला जो बिल जो उसको उससे मिला था कस्टमर से, जो कस्टमर ने साइन करके दिया था, अपने सप्लायर को पकड़ा दिया, बोला मेरा कस्टमर तेरे को पैसा दे देगा, टेंशन मत ले, ठीक है, एक महीने बाद दो महीने बाद। तो ये कौन हो गया, एंडोर्सी, जिसके हाथ में बिल आ जाए ट्रांसफर होके, वो कौन होता है, एंडोर्सी। अब एक बात बता दूं, ये भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, जितने लोग चाहे उतने लोग को ट्रांसफर किया जा सकता है ये बिल, ठीक है, फिर ये नया एंडोर्सी बन जाएगा, फिर ये नया एंडोर्सी बन जाएगा, ठीक है। और उस सिचुएशन में मैं ड्रॉवर को एंडोर्सर भी बोल सकता हूँ, एंडोर्सर, जो बिल को ट्रांसफर कर रहा है उसको मैं एंडोर्सर भी बोल सकता हूँ, ड्रॉवर एट अ सेम टाइम एंडोर्सर, क्योंकि उसने बिल को एंडोर्स कर दिया, किसको, एंडोर्सी को। एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना, एंडोर्सी मतलब वो इंसान जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, और एंडोर्सर वो इंसान जो ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो एंडोर्सर,
जिसको ट्रांसफर कर रहा है वो एंडोर्सी, और वो जो कार्यक्रम कर रहा है उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। ठीक है, तो ये होता है एंडोर्समेंट। पेई कौन होगा भैया? पेई बताओ, पेई वही बंदा है जिसको पैसा मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे जिसके हाथ में बिल होगा उसको पैसा मिलेगा। अगर पेमेंट वाले दिन बिल इसके हाथ में रहा तो ये पेई हो जाएगा, अगर पेमेंट वाले दिन इसके हाथ में बिल रहा तो ये पेई हो जाएगा, अगर पेमेंट वाले दिन इसके हाथ में बिल रहा तो ये पेई हो जाएगा, और अगर इसने एंडोर्समेंट किया ही नहीं था और पेमेंट वाले दिन बिल इसी के हाथ में तो ये पेई हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो यही पेई बन जाएगा अगर पेमेंट वाले दिन बिल इसी के हाथ में हुआ तो। ठीक है, तो पेई वो इंसान होता है जिसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो देखो, द पर्सन हु गिव द ऑर्डर टू पे और हु मेक द बिल इज द ड्रॉअर। सिंपल सी बात है, वो पर्सन जो ऑर्डर मार रहा है कि पैसा दे, तो वो कौन है? ड्रॉअर। ड्रॉई कौन है? पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज ड्रॉई। व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल ही इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। ड्रॉई कौन है? वो पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा। अ पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे। ठीक है, तो ड्रॉई वो इंसान है जो पेमेंट करेगा। ठीक है, और जब ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम उसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके रख लेना कि जब ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड पेई, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। वो इंसान जिसको पेमेंट करना है, वो इंसान टू हुम द पेमेंट इज मेड, मतलब सिंपल सी बात है, जिसके हाथ में बिल है वो कौन है? पेई। वो इंसान जिसको हमको पेमेंट करना है। ठीक है, तो रिक्विसाइट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फिर वही चीजें बोलेगा, इट शुड बी अनकंडीशनल। ठीक है, और इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन कंटिजेंसी, मतलब सिंपल सी बात है, अनकंडीशनल होना चाहिए और किसी भी कंटिजेंसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तुम समझ रहे हो, जब एक्ट तुमको बोला कि ये चीज कंडीशन अगर हो रहा है, कंडीशन अगर हो भी रहा है, पहली बात तो अनकंडीशनल होना चाहिए, दूसरी बात अगर कंडीशन है तो कंटिजेंसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये हुआ, अगर शिप डूबी तो बिल जो है वो हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सर्टेन इवेंट, पे कंडीशनल है बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो उसको हम लोग वैलिड मान लेते हैं लॉ में। सर्टेन इवेंट क्या होता है भैया? जो मेरे को पता है 100% पता है कि होगा। ठीक है, जैसे मैं बोला आज शाम को 8 बजने के बाद, तो मेरे को पता है आज शाम का 8 तो बजेगा ही बजेगा, कोई प्रलय तो आने नहीं वाला है कि नहीं, आज शाम को 7 बजे के बाद प्रलय आएगा, दुनिया खत्म, तबाह, बूम बाम बाम, बूम बाम तो नहीं हो जाएगा, तो मेरे को पता है शाम का 8 बजेगा, तो दिस इज अ इवेंट विच इज सर्टेन। मैं बोला कि आज जब सूरज डूबेगा तो मेरे को पता है आज सूरज डूबेगा। मैं बोला कल जब सूरज उगेगा तो कल सूरज उगेगा। मैं बोला जब आज चंद्रमा दिखेगा, जब आज चांद दिखेगा, या चांद जब भी दिखेगा, मून जब भी दिखेगा, तो दीज आर काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ इवेंट विच आर सर्टेन एंड विच इज गोइंग टू बी हैपन, वी नो दिस। ठीक है, कि ये इवेंट होके रहेंगे, ये इवेंट्स होके रहेंगे, तो अगर ऐसे सर्टेन इवेंट्स पे कोई बिल डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको वैलिड मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये सर्टेन इवेंट है, ये कंटिजेंसी नहीं है। सूरज डूबेगा ही डूबेगा, सूरज अगले दिन उगेगा ही उगेगा, चांद हमको दिखेगा ही दिखेगा, आज नहीं तो कल दिखेगा, आज बादल होंगे कल दिखेगा, पर दिखेगा जरूर। ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन इवेंट्स विच इज गोइंग टू बी हैपन, वी ऑल नो दिस, इवन एवरीवन नो कि ये सारे इवेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो सर्टेन इवेंट्स या सर्टेन इवेंट्स के ऊपर अगर कोई बिल डिपेंडेंट होता है तो वो वैलिड होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कंडीशन? देखो, तुम्हारे बुक में अगर ये चीज नहीं भी लिखी होगी ये प्रोविजन, ठीक है, तो फिर भी तुम नॉलेज के लिए चीज जान लो कि अगर कोई बिल किसी सर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है तो वैलिड होता है। ठीक है, बोल रहा है मनी ओनली होना चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, ठीक है, द टाइम ऑफ पेमेंट सर्टेन होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, बट इट इज अ रिक्वेस्ट और डायरेक्शन। ठीक है, मैं तुम लोग को बोला ना, इट इज अ रिक्वेस्ट और डायरेक्शन। ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं कि हुकुम जता रहे, इट इज अ रिक्वेस्ट और डायरेक्शन। ठीक है, इट इज अशन बिल ऑफ एक्सचेंज शुड पॉइंट आउट विद सर्टेनिटी द पार्टी हु एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है द पार्टी हु एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन। ठीक है, और सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर इज नेसेसरी, देयर कैन नॉट बी ऑन अ बिल इवन इफ द इंस्ट्रूमेंट इफ एक्सेप्टेड विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर, एंड देयर कैन नॉट बी अ बिल इवन इफ द इंस्ट्रूमेंट इफ एक्सेप्टेड विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द बिल। तो बोल रहा है कि अगर ड्रॉअर का सिग्नेचर उसमें नहीं हुआ तो इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, सिंपल सी बोल रहा है इफ एक्सेप्टेड विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द बिल। ठीक है, तो बोल रहा है देयर कैन नॉट बी अ बिल, मतलब वो बिल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ड्रॉअर का सिग्नेचर नहीं है, उसमें ड्रॉअर का सिग्नेचर नहीं है तो वो बिल नहीं बन सकता। ड्रॉअर का सिग्नेचर होना चाहिए। देखो, सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर इज नेसेसरी। ठीक है, इट मस्ट बी इंडिकेट अ ड्रॉई हु शुड बी कॉल्ड ऑन टू एक्सेप्ट और पे इट, द ड्रॉई मस्ट बी नेम्ड और अदरवाइज इंडिकेट द बिल विद। बोल रहा है ड्रॉई का नाम बिल में लिखा रहना चाहिए और एकदम सर्टेनिटी के साथ हमको पता रहना चाहिए कि कौन पर्सन ड्रॉई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है इंडिकेटेड द बिल विद अ रीजनेबल सर्टेनिटी, इट शुड स्पेसिफिकली मेंशन द डेट एंड प्लेस द पेमेंट इज टू बी मेड। बोल रहा है डेट और प्लेस,
जगह जहां पर पेमेंट होगी और समय, ये भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है, वेयर इट इज ड्रॉन, ठीक है, जहां पर ये ड्रॉ हुआ है बिल, जहां पर ये बिल ड्रॉ हुआ है। इवन द टाइम ऑफ द पेमेंट शुड बी क्लियरली मेंशन, टाइम ऑफ द पेमेंट शुड बी क्लियरली मेंशन, ये हमने ऊपर पढ़ा है। एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन, मैं तुम लोग पहले भी बता दिया था कि प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक नहीं पर प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, अगर स्टैम्प नहीं है तो वो वैलिड नहीं है, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो गई, अब हमको बात करना है चेक के बारे में। अच्छा, चेक जो है उस पर स्टैंपिंग कंपलसरी नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ऑलरेडी चेक में बैंक का नाम लिखा रहता है, बैंक का मस्त मस्त आइकन बना रहता है उसमें, तो ऑब्वियसली भाई उसमें स्टैंपिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी जब उसमें बैंक का पहले से नाम पता होता सब लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो इसलिए चेक में कंपलसरीली स्टैंपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डिफाइन करता है चेक, तो चेक कुछ नहीं है, सच बोल रहा हूं, चेक कुछ नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। क्या भैया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, फर्क बस इतना है कि चेक के सिचुएशन में ड्रॉई हमेशा कोई ना कोई बैंक होगा, चेक के सिचुएशन में ड्रॉई हमेशा कोई ना कोई बैंक होगा। हु इज अ ड्रॉई, जो अमाउंट पे करता है, जो पेमेंट करता है वो ड्रॉई होता है, तो भाई चेक तो बैंक से ही क्लियर होता है ना, मेरे को अगर कोई चेक मिला है मेरे को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर बैंक मेरे को पैसा देगी, तो बैंक पैसा देगी, तो बस फर्क इतना है कि हमेशा यहां पर ड्रॉई हमेशा कोई ना कोई बैंक वाला ही होगा, कोई ना कोई बैंक वाला ही एक्ट एज अ ड्रॉई, ठीक है। बाकी ये एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट, वो ऐसे कॉपी पेस्ट, ये क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, ठीक है। तो देखो, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn upon a specified banker and payable on demand and includes an electronic image of truncated check and check in electronic form. बोल रहा है चेक क्या होता है, चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। देखो, इसीलिए उसने अपनी डेफिनेशन बनाई नहीं, सीधा बोल दिया चेक एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बात खत्म। पर इसमें ड्रॉई कौन होगा, एक बैंक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और ट्रंकेटेड चेक दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखो यहां पर तुम लोगों को आई थिंक हाँ इलेक्ट्रॉनिक चेक के अगेंस्ट में प्रोविजन को दिए हुए कि इलेक्ट्रॉनिक चेक जो रहता है वो सेम टू सेम फिजिकल चेक की तरह दिखता है, लेकिन आपके लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर दिखेगा या आपके फोन के स्क्रीन के अंदर दिखेगा, एक एज इट इज सेम टू सेम फिजिकल चेक की तरह दिखता है, लेकिन आपको उसको प्रॉपरली बैकिंग करना है बाय अ डिजिटल सिग्नेचर और असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। मतलब भाई वो जो तुम्हारा इंक्रिप्शन का सिस्टम होता है ना प्रॉपर, उसमें कीज होती है, ठीक है, इंक्रिप्शन की होती है, ये सारी चीजों से आपको उसको इंक्रिप्ट करके रखना है ट्रांसफर करने के टाइम, और पहली बात, तो दूसरी बात आप उसको सपोर्ट करोगे बाय डिजिटल सिग्नेचर, क्यों, क्योंकि फिजिकल चेक तो है नहीं, और लैपटॉप की स्क्रीन में आप साइन कर नहीं दोगे ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से, आपको उस पर डिजिटल सिग्नेचर मारना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर के तरीके होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, A truncated check means a check which is truncated during the course of a clearing cycle, either by clearing house or by bank, whether paying or receiving payment immediately on generation of electronic image of transmission, substituting the further physical movement of the check in the writing. Simple सी बात है, truncated check मतलब बोल रहा है clearing house function जब आप करते हो, अच्छा उसके लिए मेरे को clearing house तुमको समझाना पड़ेगा। Clearing house function वो होता है जो RBI perform करता है। क्या करता है? RBI कौन है? RBI कौन है? पापा है। किसका? सारे बैंकों का। ये देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI पापा है सारे बैंकों का, चाहे वो SBI हो, चाहे वो ICICI हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी बैंक हो, इंडिया का कोई भी बैंक हो, कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, RBI कौन है? पापा है सबका। तो RBI क्या करके रखता है पता है? हर बैंक का करेंट अकाउंट खोल के रखा है। RBI हर बैंक का अपने पास करेंट अकाउंट खोल के रखा है। अब मान लो बैंक ऑफ इंडिया में HDFC का एक चेक पहुंचा, BOI में HDFC के नाम पर एक चेक पहुंचा, तो एक बात बताओ, बैंक ऑफ इंडिया अब HDFC से पैसा मंगाएगा? कैसे मंगाएगा? बैंक ऑफ इंडिया उस चेक को ना अपने जो भी लोगों का सिस्टम रहता है, वो फ्रेमवर्क और सिस्टम रहता है, ऑडिट में जाओगे, अगर बैंक ऑडिट में जाओगे तुमको समझ में आएगा, अपने वेबसाइट में डाल देगा वो HDFC के नाम का चेक, ठीक है। RBI को ये बात पता चली ट्रेडिंग कि बैंक ऑफ इंडिया में एक ऐसा चेक आया जो HDFC से क्लियर होना है, तो बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, RBI क्या करेगा, HDFC के अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है, और BOI को क्रेडिट कर देगा उस चेक के अमाउंट से। तो इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। उस RBI ने क्या किया, चेक को क्लियर करवा दिया दो बैंक के बीच में। मान लो SBI में एक चेक आया जो कि PNB का है, पंजाब नेशनल बैंक से क्लियर होना था, तो SBI अपने अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देगा, RBI को पता चला ट्रेडिंग, RBI क्या करेगा, पंजाब नेशनल बैंक को डेबिट करेगा और SBI को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, SBI में वो पैसा आ जाएगा, SBI अपने अकाउंट होल्डर जिसने उस चेक को डिपॉजिट कराया था उसके अकाउंट में पैसा डाल देगा, ठीक है। तो दिस इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन, मतलब इधर से पैसा निकाल के इधर डालो, इधर से निकाल के इधर डालो, इधर 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 इधर, तो दिस इज वॉट क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
देखो समझ में आया क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? तो वही चीज है कि यहां पर से एक चेक अगर इस बैंक के नाम पर गया है तो उस बैंक के अकाउंट से डेबिट करके दूसरे बैंक में जिस बैंक पे गया है उस बैंक को दे दो, ताकि वो अपने अकाउंट होल्डर के ट्रांजेक्शन में अपने अकाउंट होल्डर के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर सके। तो दैट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन, मतलब सिंपली साफ सफाई का कार्यक्रम। तो ट्रंकेटेड चेक में अब हम लोग बात करें, तो ट्रंकेटेड चेक मतलब होता है सिंपल सी बात है, जो तुम्हारे पास फिजिकल चेक आता है उस फिजिकल चेक की जो इन्फॉर्मेशन मैं बोला ना कि SBI अपने अकाउंट पे चढ़ाएंगे, अपने इंटरनेट पे वो अपलोड कर देंगे, ठीक है, अपना जो लोगों का डेटाबेस रहता है सिस्टम उस पे अपलोड कर देंगे। तो भाई वो क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल चेक को डिजिटलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे। तो दैट इज नोन एज ट्रंकेटेड चेक। और वही डिजिटल चेक को फिर वो सेंड करेंगे, वो चेक वेरीफाई होता है। ऐसे ही थोड़ी ना SBI बोला कि नहीं इतने 1 करोड़ रुपए चेक आया है PNB के नाम पर, 2 PNB पैसे, 1 करोड़ रुपए, ऐसे थोड़ी दे देंगे। चेक को वेरीफाई करते हैं, सिग्नेचर वेरीफाई करते हैं, अकाउंट होल्डर का बैलेंस चेक करते हैं कि उतना बैलेंस है कि नहीं, फिर जाके ट्रांसफर करते हैं। तभी तो 2-3 दिन का समय लगता है चेक क्लियर होने में। क्यों लग रहा है 2-3 दिन का समय? क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। तुम SBI में PNB वो डाल रहे हो चेक, HDFC में तुम SBI का बैंक डाल रहे हो, तो दोनों एक ही बैंक थोड़ी है, अलग 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 सारे बैंक है ना। तो वही चीज है यहाँ पर। और चेक को प्लस वेरिफिकेशन प्रोसीजर, मान लो चलो तुरंत पैसा निकाल भी जाए, तुम लोग सोचोगे भैया SBI के ATM से मैं तो HDFC डेबिट कार्ड घुसा के पैसा निकाल चुका हूं, तो ठीक है वो तो अकाउंट का डेटाबेस सारे बैंक एक दूसरे शेयर करके रखे हुए, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन द पॉइंट इज कि चेक को वेरीफाई करना पड़ता है कि उसके सिग्नेचर सब वैलिड है कि नहीं, अकाउंट नंबर वगैरह एंड ऑल, बैलेंस वैलेंस है कि नहीं, कि ऐसे ही हवा में तीर छोड़ के निकाल रहे हैं, तो वो सारी चीजें, तभी तो चेक बाउंस होता है अगर बैलेंस नहीं होता तो, ठीक है। तो दैट इज नोन एज ट्रंकेटेड चेक, मतलब डिजिटलाइजेशन ऑफ फिजिकल चेक, ठीक है। तो देखो हाँ, क्लियरिंग साइकिल के दौरान इसको ट्रंकेटेड किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब इसको डिजिटलाइज कब किया जाता है, इन द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्लियरिंग हाउस मींस द क्लियरिंग हाउस मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अ क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज्ड सच बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 6 ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 2002। तो यहाँ पर तुमको सिर्फ ये लिखा है क्लियरिंग हाउस, मतलब जो RBI क्लियरिंग हाउस करती है, क्या करती है मैंने तुमको बता दिया। अच्छा, कि स्पीसीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट इट हैज द फॉलोइंग 2 conditions। पहला, इट ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है, और दूसरा, इट ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक पेबल ऑन डिमांड होता है, हमको पता है ना, एक चेक की एक 2-3 महीने की अवधि होती है कि एक बार तुमने चेक साइन करके दे दिया, उसमें डेट लिख दिया, तो वो 2-3 महीने तक वैलिड रहता है। अब उस दौरान तुम कभी भी जाके चेक बैंक में डालो, तुमको तुरंत पैसा मिल जाएगा, तुरंत मतलब वही 1-2 दिन के दौरान, ठीक है, तुमको पैसा मिल जाएगा। तो चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, मतलब जब डिमांड करोगे तब पैसा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चेक हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ होता है, मतलब अगर तुम BOI का चेक फाड़ के दे रहे हो तो बैंक ऑफ इंडिया वाले ही ड्रॉई है, ठीक है, अगर तुम SBI का चेक फाड़ के दे रहे हो तो SBI ही ड्रॉई है, तो एक स्पेसिफाइड बैंकर रहता है जिसके ऊपर चेक ड्रॉ होता है, ठीक है। इसमें भी 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ड्रॉअर कौन होता है? द कस्टमर हु साइंस द चेक। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा चेक बुक है तुम साइन करके दे रहे हो, तुम ड्रॉअर हो, ठीक है। ड्रॉई कौन है? अ बैंक टू हुम द चेक इज ड्रॉन। अगर तुम SBI का चेक फाड़ के दे रहे हो तो SBI ड्रॉई है, अगर तुम HDFC का चेक फाड़ के दे रहे हो तो SBI ड्रॉई है, HDFC ड्रॉई है, ठीक है। तो ड्रॉई कौन होता है? वो बैंक जिसका वो चेक होता है, ठीक है। और द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड इज द पे। सिंपल सी बात है, पे की डेफिनेशन हर जगह सेम होगी, वह व्यक्ति जिसको पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, ठीक है, तो वह व्यक्ति कौन होता है? पे होता है, ठीक है। रिक्विजिशन ऑफ चेक क्या है? इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड अनकंडीशनल, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर, ठीक है। जो अमाउंट है वो स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी, फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी होना चाहिए, ठीक है। अ चेक मे बी ड्रॉन पेबल टू ऑर्डर और बियरर, 2 kinds ऑफ चेक आर प्रिवेलिंग नाउ अडेज, इट मे बी अ बियरर और ऑर्डर चेक और अ सेल चेक। सिंपल सी बात है, बियरर चेक मतलब जिसके हाथ में चेक उसको पैसा मिल जाएगा, बात खत्म। और इसी सिचुएशन से बचने के लिए क्रॉसिंग ऑफ चेक टॉपिक हमको पढ़ना है, कि चेक का क्रॉसिंग सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि बाई चांस अगर तेरे जेब से गलती से चेक गिर गया और चेक 10-20-25 हज़ार का होगा और तुम मस्त अपने नया फोन लेने जा रहा होगा, तो बियरर चेक होगा, जिसको मिल गया ना वो बंदा जाके चेक से पैसा निकाल लेगा। अगर वो बियरर चेक होगा जिसके हाथ में वो लग गया, सिंपल सी बात है, वो पैसा निकाल लेगा जाके। तो बियरर चेक जो है वो बेसिकली बोले तो रिस्की होता है बहुत, और सेल्फ चेक मतलब जो अपने ऊपर फाड़ते हैं हम चेक, ठीक है। द चेक मस्ट कंटेन द डेट और पे टू बी सर्टेन, ठीक है, उसमें डेट होना चाहिए चेक में और पे जो है वो सर्टेन व्यक्ति होना चाहिए। पे मतलब जिसको पैसा मिलना चाहिए, वो व्यक्ति, वो इंसान कौन होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है क्रॉसिंग ऑफ चेक ना, नहीं, हु कैन क्रॉस अ चेक आ रहा है, फिर आएगा क्रॉसिंग। देखो, चेक को क्रॉस कर कौन सकता है बताओ? क्रॉसिंग ऑफ चेक के पहले टॉपिक आ रहा है, चेक को क्रॉस कौन कर सकता है, ठीक है। तो देखो,
चेक को क्रॉस, सिंपल सी बात है भाई, जैसे तुम लोग का चेक है ना, इसके लेफ्ट साइड में इससे दो ठो डंडी खींचना क्रॉसिंग कहलाता है, बस इसी को क्रॉसिंग बोलते हैं। क्रॉसिंग डेफिनेशन में भी ये लिखा है, ठीक है। लेफ्ट साइड, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द चेक टू पैरेलल लाइंस, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग, ठीक है। तो यही क्रॉसिंग ऑफ चेक होता है। इसमें करते क्या है वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। अब क्रॉस कौन कर सकता है चेक को, ये पढ़ लो जरा, ठीक है। तो एज वी हैव डिस्कस अबव, बाय क्रॉसिंग द चेक द ड्रॉअर इंस्ट्रक्ट द बैंकर टू नॉट टू पे इट ओवर द काउंटर बट ओनली क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द पर्सन नेम देयर इन। क्रॉसिंग ऑफ चेक मतलब क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, ओवर द काउंटर ऑफ पेमेंट नहीं लिख सकते। मान लो आपके पास बियरर चेक है, बियरर चेक मतलब जिसके हाथ में चेक उसका पैसा, और उस चेक में क्रॉसिंग नहीं हुई है। अगर उस चेक में क्रॉसिंग नहीं हुई तो सिंपल तुम बैंक के पास जाओगे, उसके काउंटर में खड़े होगे, उसको बियरर चेक दिखाओगे, बोलोगे मेरे को पैसा चाहिए। सिंपल सी बात है, बियरर चेक मतलब सिंपल सी बात है, स्पेसिफिकली अकाउंट पे नहीं जाने वाला है वो, जिसके हाथ में चेक उसको पैसा मिलने वाला चेक है वो, उस टाइप का चेक है। तो भाई जैसे मान लो एसबीआई का चेक था, तुम एसबीआई के पास गए, एसबीआई के काउंटर में जाके बोल रहे हो ये देखो मेरे पास बियरर चेक है पैसा दो, एसबीआई के खुद का चेक है तो एसबीआई तुरंत चेक कर सकता है ना, तुरंत चेक करके दे सकता है, तुरंत वो चेक किया अकाउंट में बैलेंस था, हाँ 10,000 रुपए तुमको निकाल के कैश में दे दिया, तुम चुपचाप फरार हुआ, चुपचाप फरार, वो चेक तुमको रोड में गिरा हुआ मिला था। अब एक बात हो, कितना खतरा है, बहुत खतरा है। तो इसी खतरे से बचने के लिए क्रॉसिंग ऑफ चेक किया जाता है। सिंपल सी बात है, क्रॉसिंग ऑफ चेक मतलब कि कोई भी इंसान जाके चेक को एन कैश नहीं करवा सकता, वो सिर्फ चेक को डिपॉजिट करेगा, उसके अकाउंट में ही उसको पैसा मिलेगा। तो अब मान लो यहाँ पर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर भी रहा है, मान लो उसके पास बियरर चेक है पर वो क्रॉस्ड है, मान लो बियरर चेक है पर वो क्रॉस्ड है, तो वो जाएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा वो अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा सकता है। अगर वो अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराएगा तो हमको तुरंत पता चल जाएगा, मान लो वो इंसान को गिरा हुआ चेक मिला था तो इंसान को हम तुरंत ढूंढ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा गया है ना, तो इस अकाउंट से निकल के इस अकाउंट में पैसा गया है, तो हम बैंक के पास जाएंगे पूछेंगे मेरा अकाउंट से पैसा किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो बता देगा इसके अकाउंट में, उस बंदे कॉल लगा बोलेंगे चल पैसा वापस कर मेरा, पैसा वापस कर मेरा। तो बहुत आसान है क्रॉसिंग ऑफ चेक से, पहली बात तो ये कि अगर चेक घूम भी गया, किसी हाथ लग भी गया, किसी ने मिस यूज कर भी लिया, तो भी हम उस बंदों को चुटकी में पकड़ सकते हैं, हम उस बंदे को चुटकी में पकड़ सकते हैं। तो क्रॉसिंग का ये बड़ा एडवांटेज है कि तुम जाके एंड कैश नहीं करवा सकते चेक को, तुमको उसको अकाउंट में डिपॉजिट ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुई बात, तो देखो वही चीज यहां पर लिखी है, नॉट टू पे ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर मतलब काउंटर में आके जो बंदा खड़े होगा उसको तुरंत तुरंत कैश पेमेंट ना करो, जबकि सिर्फ उसको क्रेडिट करो, उसके अकाउंट को क्रेडिट करो, ठीक है। इट एड्स टू द सिक्योरिटी एंड इंश्योर दैट द पेमेंट टू द पे और टू हिज ऑर्डर अ चेक मे बी क्रॉस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज, ठीक है। तो पहली बात तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है क्रॉसिंग ऑफ चेक, दूसरी बात कौन कौन क्रॉसिंग कर सकता है, ड्रॉअर ऑफ चेक सिंपल सी बात है, जो चेक बना रहा है वो खुद क्रॉसिंग कर सकता है ना, जो चेक बना रहा है वो खुद ही क्रॉसिंग कर सकता है। दूसरा, होल्डर ऑफ अ चेक वेयर अ चेक इज इशूड अनक्रॉस इट मे बी क्रॉस बाय द होल्डर ऑफ जनरली और स्पेशली, बोल रहा है अगर एक अनक्रॉस्ड चेक किसी होल्डर के पास में आया, जैसे मान लो मेरे को किसी पेरेंट ने चेक दिया और वो चेक क्रॉस्ड नहीं था, ठीक है, बियरर चेक था क्रॉस नहीं था, तो मैं सोचा यार अगर गलती से किसी के इधर उधर हाथ में लग गया, किसी स्टाफ के हाथ लग गया हो तो चुपचाप लेके फरार चेक को, तो मैंने उस चेक को क्रॉसिंग कर दिया खुद ही, मैं होल्डर था मैंने खुद ही चेक को क्रॉस कर दिया सेफ्टी के लिए, अपने अकाउंट के नाम पर अकाउंट पे लिख के मैंने उसको क्रॉस कर दिया, तो इसीलिए वो चेक मैं भी क्रॉस कर सकता हूँ, ड्रॉअर खुद भी कर सकता है। एंड द बैंकर इन हुज फेवर द चेक हैज बीन क्रॉस स्पेशली मे अगेन क्रॉस इट अगेन फॉर द फेवर ऑफ अनदर बैंक, द लेटर बैंक इज सच अ केस एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द फॉर्मर। और ये एक स्पेशल टाइप की डबल क्रॉसिंग होती है, इसका इसका टॉपिक शायद तुम्हारे बुक में है, इसको पढ़ना है हमको, ये एक स्पेशल टाइप की केस थी जो है, एक स्पेशल टाइप की डबल क्रॉसिंग होती है जिसमें जिस बैंक को क्रॉस्ड चेक मिला रहता है उसको पहले से क्रॉस्ड चेक मिला रहता है उसको फिर से क्रॉस कर देता है, फिर से क्रॉस कर देता है किसी और बैंक के नाम पर, और वो जिस बैंक के नाम पर उसको क्रॉस करेगा वो बैंक एज अ एजेंट वर्क करेगा उसके लिए, एज अ एजेंट मतलब पैसा कलेक्ट करने में उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो बैंक एक चेक क्रॉस्ड चेक को और दूसरी बार भी क्रॉस चेक को क्रॉस कर सकती है only for the payment and it should be compulsory that the other bank work as a agent for that bank, ठीक है, कि सिर्फ पैसा कलेक्ट करने के लिए वो एज अ एजेंट काम कर रही है जो दूसरी बैंक के नाम पर वो क्रॉसिंग कर रहा है। देखो ये देखो, नहीं ये नहीं, ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू आंध्र बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एन एजेंट फॉर कलेक्शन, यहां पर क्या लिखा है, पे टू आंध्र बैंक एज अ एजेंट और कलेक्शन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने डबल क्रॉसिंग कर दी, मतलब पहले से क्रॉस्ड चेक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसमें नीचे एक बार और क्रॉसिंग मार के टू आंध्र बैंक लिख दिया, टू आंध्र बैंक लिख दिया, क्यों, डबल क्रॉसिंग सिर्फ एज अ एजेंट कलेक्शन के लिए, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन उन्होंने डबल क्रॉसिंग कर दी, पैसा कलेक्ट करने के लिए उन्होंने डबल क्रॉसिंग का सहारा लिया, ठीक है। ड्यू डेट,
ड्यू डेट के बारे में टॉपिक तुम लोग रीड कर सकते हो खुद से। ये देखो यहां से यहां तक है, मैं तुमको बस मेन मेन पॉइंट करा दूं कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट पे ड्यू डेट एप्लीकेबल नहीं होता। ड्यू डेट वाला सिस्टम जो है एप्लीकेबल, और डेज ऑफ ग्रेस जानते हो, डेज ऑफ ग्रेस मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक प्रॉमिसरी नोट में कंपल्सरीली 3 दिन ऐड किया जाता है। मान लो एक 31 तारीख को ड्यू था तो उसमें 3 दिन ऐड करो, 1, 2, 3 तारीख को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के ऐड किए जाते हैं। तो देखो, एक चेक, एक बिल पेबल ऑन डिमांड और एक बिल जिसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है, ये तीनों भी केस में डेज ऑफ ग्रेस एप्लीकेबल नहीं होगा। चेक में नहीं होता क्योंकि चेक ऑन डिमांड होता है। एक ऐसा बिल जो कि ऑन डिमांड इशू हुआ है, बिल एट साइट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल एट साइट, बिल एट साइट, एक ऐसा बिल होता है कि जब जब ड्रॉअर कॉल करके बोला चल पैसा दे पैसा दे, तो तुरंत ड्रॉय को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में भी 3 डेज ऑफ ग्रेस एप्लीकेबल नहीं है। प्लस एक ऐसा बिल जिसमें टाइम ही नहीं लिखा है, तो उसमें डेज ऑफ ग्रेस कहां से होगा। पर किन चीजों में एप्लीकेबल है डेज ऑफ ग्रेस, अ बिल और नोट पेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, तो जो उसका स्पेसिफाइड डेट रहेगा उसमें +3 कर देना, ठीक है। अ बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मतलब ऐसा बिल जो साइन होने के बाद एक्टिवेट होता है, आफ्टर साइट और आफ्टर डेट, याद है तुम लोग को, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट क्या होता है, आफ्टर डेट। मान लो बिल, मान लो मैंने एक बिल बनाया 1 जनवरी को एक बिल बनाया। अब पहली सिचुएशन हो बिल आफ्टर डेट है, पहली सिचुएशन हो बिल आफ्टर डेट है, तो अब ये बिल कब मैच्योर होगा भैया, 1 महीने का बिल है ना, 1 महीने का बिल है, तो कब ये बिल मैच्योर होगा, 1 जनवरी से 1 फरवरी, फिर उसमें 3 दिन ऐड करो डेज ऑफ ग्रेस, तो 1 फरवरी +3 डेज डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है, तो कितना हो गया, 2, 3, 4 फरवरी को ये बिल वो होगा। और ये जो 1 जनवरी को मैंने बिल बनाया ना, इसमें जो ड्रॉई था, ड्रॉई उसको मैंने भेजा बिल, मैंने 1 जनवरी को बिल बनाया, मैंने उसको ड्रॉई को सेंड किया, ड्रॉई ने मेरे को 5 जनवरी को साइन करके वापस कर दिया बिल, 5 तारीख को बिल को साइन करके वापस कर दिया। बिल आफ्टर डेट मतलब होता है जिस दिन बिल बना उसी दिन से दिन गिनना चालू कर दो, उसी दिन से डेज गिनना चालू कर दो, तो दैट इज नोन एज बिल आफ्टर डेट, मतलब जिस दिन जिस डेट को वो बिल बना उसी दिन से तुम डेज गिनना चालू कर दो, दैट इज बिल आफ्टर डेट। व्हाट इज बिल आफ्टर साइट, जिस दिन बिल साइन हुआ उस दिन से डेज गिनना चालू करो, जिस दिन बिल साइन हुआ उस दिन से डेज गिनना चालू करो। तो कितने तारीख को साइन हुआ, 5 तारीख को, तो 5 तारीख से गिनना चालू करो, तो 5 फरवरी को ड्यू डेट आएगी, उसमें 3 डेज ऐड करो, तो कितना हो गया, 6, 7, 8, 8 फरवरी को पेमेंट होगी, समझ में आई बात। तो दैट इज नोन एज बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट, मतलब बिल आफ्टर डेट मतलब जिस दिन बिल बनाया उसी दिन से डेज गिनना चालू कर दो, और बिल आफ्टर साइट मतलब जिस दिन साइन हुआ उस दिन से डेज गिनना चालू करो, ठीक है। और एक और होता है बिल एट साइट, जो मैंने तुमको बताया, बिल एट साइट डिफरेंट है ना, बिल आफ्टर साइट और बिल एट साइट दोनों डिफरेंट है। बिल एट साइट मतलब जब मांगे उसी दिन उसी समय पैसा दो, तो दैट इज बिल एट साइट, ठीक है। और बिल आफ्टर साइट मतलब साइन के बाद एक्टिवेट होगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। उसके बाद अ बिल और अ नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड और हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो उसमें भी वो सर्टेन इवेंट, अगर मान लो एक सर्टेन इवेंट, ये देखो यहाँ लिखा भी है, मैं तुम लोग को बताया था, ऐसा इवेंट जो सर्टेन है उसमें जो बिल है वो वैलिड रहता है, ठीक है। तो अगर वो सर्टेन इवेंट हो गया, उस सर्टेन इवेंट के होने के 3 दिन बाद पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर तुम लोग को एग्जाम्पल्स दिए हुए, यू कैन रीड दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है, रिगार्डिंग ड्यू डेट्स। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब होता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में पेमेंट कर देना विदाउट चेकिंग द ऑथेंटिसिटी द टाइटल ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि वेदर जो इंसान वो बिल ऑफ एक्सचेंज को या प्रॉमिसरी नोट को लेके आया है, क्या वो उस इंसान का है भी या नहीं, क्या उसने फ्रॉड्यूलेंटली किसी से ले तो नहीं लिया, क्या उसने कुछ घपला तो नहीं किया है, ये सब चेक वेक कुछ नहीं करते, सिंपल सी बात है तत्कालीन परिस्थितियों में उसको पेमेंट कर देते हैं विदाउट चेकिंग द ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी चेक के बिना उसको तुरंत पेमेंट कर देते, दैट इज नोन एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो देखो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन अ गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ, ठीक है। द पेमेंट टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अंडर सर्कमस्टेंसेस विच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। यहां पर तुम पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा। पेमेंट टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंसान को हम पेमेंट कर रहे हैं जिसके हाथ में वो बिल है। पोजेशन मतलब क्या, जिसके हाथ में, ये देखो मेरे हाथ में बिल है तो मैं क्या हूँ, पोजेशन में हूँ, मैं इस बिल के किसमें हूँ, पोजेशन में हूँ। वैसे ये देखो, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्वेश्चन है, ये देखो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट लिया था मैं, उसी के क्वेश्चन है। हाँ,
तो भाई क्या बोल रहा था मैं आपको, मैं बोल रहा था कि मैं पोजेशन में हूं, ठीक है, मस्ट बी अंडर सर्कमस्टेंसेस विच वुड नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग. कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है हमको भरोसा दिलाने के लिए कि दैट ही इज नॉट एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट ऑफ द अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट. दैट कि जो इंसान उस इंस्ट्रूमेंट को लेके आया है, एक्चुअल में उसको पेमेंट होनी ही नहीं थी, और ये बात हमको पता ही नहीं थी, हमने तो उसको पेमेंट कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, हमने उस बिना जाने समझे, हमको पता ही नहीं था कि उस बंदा, वो बंदा एंटाइटल्ड ही नहीं है पेमेंट के लिए, उस बंदे को कायदे से पेमेंट मिलना ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था, हमने उसको पेमेंट कर दिया, हमने उसको पेमेंट कर दिया. वी डिडंट नो दैट दैट पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, वी जस्ट पेड द अमाउंट. ठीक है, तो दैट इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स. ठीक है, मतलब बेसिकली गलती हो गई आपसे. ठीक है, तो देखो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अ पेमेंट इज सेड टू बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. सिंपल सी बात है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स में जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि उसके अगेंस्ट में पेमेंट हो गई है. ठीक है, और इन कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स हुआ है. पहला, इट इज अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अपेरेंट टेनर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट हुई हो. ठीक है, जो टेनर मतलब होता है कि जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट हुई है. ठीक है, अ पेमेंट बिफोर द मैच्योरिटी डेट इज नॉट अ पेमेंट अकॉर्डिंग टू द अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जांपल, ड्यू डेट लिखा हुआ था 4 तारीख 4 फरवरी और तुम 25 जनवरी को पेमेंट कर दिए, तो ये अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू टेनर नहीं है, तो इसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेनर नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन नहीं है. ठीक है, दूसरा, इट इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉई और एक्सेप्टर, इट मस्ट बी मेड इन मनी टर्म्स ओनली विच इंक्लूड चेक और करेंसी नोट. द होल्डर ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट पेमेंट इन एनी अदर मोड एक्सेप्ट विथ हिज कंसेंट. सिंपल सी बात है, ये जो बिल होगा वो सिंपल सी बात है मनी और मनी के टर्म्स में होना चाहिए, एनी अदर टर्म्स में नहीं होना चाहिए. और अगर एनी अदर टर्म्स में हो भी रहा है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, हो भी रहा है तो उसके कंसेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है. कंसेंट मतलब जो होल्डर है, जिसके हाथ में वो बिल पड़ा हुआ है, उसके कंसेंट के अकॉर्डिंग एनी अदर टर्म्स में हो सकता है, पर जनरली नहीं होता, मनी के टर्म्स में ही होता है. ठीक है, इट इज मेड टू द पर्सन इन पोजिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो एंटाइटल टू पेमेंट. सिंपल सी बात है, उसी पर्सन को पेमेंट करोगे जो उसके पोजिशन में हो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो एंटाइटल टू पेमेंट, और जिसको पेमेंट मिलने का हकदार हो, जो पेमेंट मिलने का हकदार हो. पर आपने ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की, हो सकता है भैया जेनविन बंदा आया हो पेमेंट लेने, हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है फ्रॉडुलेंट पर्सन चोरी किया हुआ बंदा ही आएगा पेमेंट लेने, जेनविन बंदा भी आ सकता है. तो आपको कैसे पता चलेगा, आपने चेक ही नहीं किया कि दैट पर्सन इज एंटाइटल टू पेमेंट और नॉट. यहाँ ऊपर में वही तो लिखा है, देखो, नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट. ठीक है, तो दैट इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स. ठीक है, क्या आपको पता ही नहीं था, कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं था कि आप बिलीव करो कि उसको पता ही नहीं, मतलब आपको देख के तो लग रहा है ना नॉर्मल इंसान है, इसी का बिल है, इसी को पेमेंट करना है. आपको देख, आप भगवान थोड़ी हो कि आपको देख को समझ में आ जाए नहीं ये चोर है ना, आपको थोड़ी ना देख के समझ में आ जाएगा कि चोर है, चोरी करके लाया ये, उसके चेहरे में थोड़ी लिखा है, नहीं मैं चोर, मैं लेके आया इस बिल को, निकाल लिया मालिक के ड्रॉर से, ऐसा थोड़ी होता है. तो आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं था, कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं था कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, आपको उसके ऊपर शक ही नहीं हुआ. शक होगा तो आप ऑथेंटिसिटी चेक करोगे, आपको उस बंदे के ऊपर शक ही नहीं हुआ तो आपने उसको पेमेंट कर दिया, सिंपल सी बात है. ठीक है, और फिर इट इज मेड इन गुड फेथ. गुड फेथ मतलब आपको लिटरली नहीं पता कि उस बंदे को पैसा आपको नहीं देना चाहिए, आपको लिटरली नहीं पता था, आपने गुड फेथ में कि नहीं यार यही बंदा है, इसी के हाथ में बिल है, इसी को पेमेंट करना है, आपने दे दिया. ठीक है, विदाउट नेग्लिजेंस और अंडर बोनाफाइड सर्कमस्टेंसेस इफ अ चेक बियर्स 4 सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर द पेमेंट विल नॉट बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स इफ द बैंकर फेल्स टू एक्सरसाइज द नेसेसरी केयर. सिंपल सी बात है, अगर सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर फोर्ज है, फोर्ज मतलब जाली, जाली सिग्नेचर, फर्जी सिग्नेचर मतलब ड्रॉअर का सिग्नेचर नकली किया गया है, कोई और करके दिया है, और अगर पेमेंट विल नॉट बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स इफ द बैंकर फेल्स टू एक्सरसाइज द नेसेसरी केयर, अगर बैंकर नेसेसरी केयर के साथ इस फोर्ज चेक को चेक नहीं करता, अगर नेसेसरी केयर के साथ, तो इसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा. ठीक है, विल नॉट बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स, वाई? क्योंकि बैंकर की गलती, बैंकर को चेक करना चाहिए, बैंकर को एक डॉट भी चेक करना चाहिए, ऐसे करके ऐसे गया, ऐसे 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 पूरा उसको चेक करना चाहिए था, अगर वो चेक नहीं किया, बैंकर की गलती, तो इसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा. ठीक है, और लास्ट देखो, देयर इज नो ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट पोजेसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट. और आपके पास, आपको इतू सभी शक नहीं होना चाहिए,
कि जो बंदा आया है पैसा लेने वो एक्चुअल में एंटाइटल्ड नहीं है पेमेंट के। जो बंदा पैसा लेने आया है, अगर आपको उसके ऊपर इतना सा भी शक हो गया तो मैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि जब आपको शक हुआ आपको चेक करना चाहिए था। सिंपल सी बात, आपको शक हुआ आप चेक करो, अब बोलो उसको भाई कल आ जाना, मेरे को तेरी ऑथेंटिसिटी पे डाउट है, मेरे को चेक करना है तेरे को। सीधा मुंह पे बोलो यार, बिजनेस कर रहे हो, मुंह पे बोलो कि मेरे को तेरी ऑथेंटिसिटी पे डाउट है, तू कल आना, ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना सा भी शक नहीं होना चाहिए उस बंदे के ऊपर जो बंदा पेमेंट लेने आया है, तभी इसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा, जब आपको उसके ऊपर शक नहीं है। अगर आप उसके ऊपर शक है तो इसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द पोजेसर इज नॉट एंटाइटल्ड, मतलब वो बंदा फर्जी है, ऐसा आपको थोड़ा सा भी नहीं लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए नहीं बंदा जेन्युइन, ठीक है, ऐसा आपको फील होना चाहिए। भले बंदा जेन्युइन ना हो पर आपको फील होना चाहिए बंदा जेन्युइन है, तभी उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। तभी तो नाम में आंसर है। मैं क्या बताया पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब, मतलब आपने गलती से आपने बिना ऑथेंटिसिटी चेक किए पर्सन की उसको पेमेंट कर दी, तो दैट इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो आप कब ऐसा काम आप कब करोगे, जब आपको भरोसा है, जब आपको भरोसा है। तो ये डिफरेंस बिटवीन है प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक का, या आप रीड मार लेना या आप रीड मार के आना, लेकिन हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऊपर का हम लोगों ने कुछ टॉपिक छोड़ा है, तुम लोग बोलोगे भैया आप तो जंपिंग जपांग जंपक जंपक कर दियो, यहाँ बीच के आप कितने सारे टॉपिक छोड़ दियो। तो मैंने बोला भाई ये सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।